आयत नंबर वन जीरो एट तक हमने पिछले प्रोग्राम में तर्जमा तफसर वगैरह सुनने की शादत पाई थी अल्लाह पाकिस्न के नूर से हमारी ज़िंदगी को पुनूर फरमाए और कुरान की हिदायत पर चलते हुए ज़िंदगी गुजारने और इसी के ज़रिए अपनी रहमत से जन्नतफरदस हमारा मुकद्दर फरमाए रहमत कौन नाना हसन बीबी आमीना के दिल के चैन राहत दारैन साल वसलम का फरमाने आलिशान है तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौम यजमाउ अल्लाहुर रुसुल माज़ा उजिबतुम قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب जिस दिन अल्लाह रसूलों को जमा फरमाएगा फिर फरमाएगा तुम्हें क्या जवाब दिया गया वो अर्ज करेंगे हमें कुछ इल्म नहीं तू ही सब गैबों का जानने वाला है नाजेन ग्राम यहाँ से सूर्य मायदा का सेकेंड लास्ट रुकू जो है वो शुरू हो रहा है इससे पहले जो मजमून था वो ख़त्म हो चुका मुकम्मल हो चुका और अब एक नया मजमून यहाँ से शुरू हो रहा है जो कि इख्ताम सूरत तक जारी रहेगा जिसमें स्पेषली हजरत ईसा अला सलाम का जिक्र खैर है और फिर इसमें साथ ही साथियामत के दिन के कुछ मामला को भी बयान किया जा रहा है इस्पेशली इस आयत में और इस आयत का ख़ुलासा ये है कि क़्यामत के दिन तमाम अम्बिया सलाम से ये पूछा जाएगा कि जब तुमने अपनी उम्मतों को ईमान की दावत दी थी तो उन्होंने तुम्हें क्या जवाब दिया था अम्बिया करक्राम अलिम जवाब देंगे हमें कुछ इम नहीं अम्बिया कराम का ये जवाब उनके कमाल अदब की शान को जाहिर करेगा कि वो इल्म इलाही के हुजूर अपने इल्म को बिल्कुल नज़र में ना लाएंगे और काबिल जिक्र करार ना देंगे अल्लाह तबारक व की तरफ मामले को इल्म के मामले को और अदल के मामले को सिपुर्द फरमा देंगे वरना यकीन अंबिया आलमसलासलाम ये बात जानते हैं कि उनकी कौम में से किसने गवाही दी कौन पर ईमान लाया और किसने उनका इनकार किया वो तो जानते हैं लेकिन यहाँ अदब सिखाया भी जा रहा है और अम्बिया का अदब भी बयान किया जा रहा है अगली आयत में अल्ला पाक फरमाता है إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني जमा जब अल्लाह फरमाएगा ए मरियम के बेटे ईसा अपने ऊपर और अपनी वालदा पर मेरा वो एहसान याद कर जब मैंने पाक रूह से तेरी मदद की तू गहवारे में यानी झूले में और बड़ी उम्र में लोगों से बातें करता था और जब मैंने तुझे किताब और हिकमत और तौरात और इंजील सिखाई और जब तू मेरे हुक्म से मिट्टी से परिंदे जैसी सूरत बनाकर उसमें फूंक मारता था तो वो मेरे हुक्म से परिंदा बन जाती और तू मेरे हुक्म से पैदाइशी नाबीना और सफ़ेद दाग के मरीज़ को शिफा देता था और जब तू मेरे हुक्म से मुर्दों को जिंदा करके निकालता और जब मैंने बनी इसराइल को तुमसे रोक दिया जब तू उनके पास रोशन निशानियां लेकर आया तो उनमें से काफिरों ने कहा यह तो खुला जादू है नजर इकराम इस आयत में भी क्यामत के दिन का एक मामला बयान हो रहा है और इर्शाद फरमाया जा रहा है आप याद करें जिस दिन अल्लाह पाक रसूलों को जमा फरमाएगा और जब अल्लाह पाक हजरत ईसा ईसीतलाम से इस तरह फरमाएगा फिर मजीद इस आयत मुबारक में जो एहसाना वगैरह हैं वो बयान किए जाएंगे और इनका जो तस्करा है वो सूर्य आल इमरान की आयत नंबर थर्टी सेवन टू फोर्टी नाइन इसमें भी ये तफसीली वाक़ा गुजर चुका तो सलाम की शान भी यहाँ पर बयान हो रही है और आपके ऊपर अल्लाह तहसाना थे और जो अल्लाह तब को ताकतें और पावर्स अता किए थे उनका भी जिक्र है और साथ में ये भी इशारता बताया जा रहा है कि सारे पावर्स अल्लाह तबारक व ताल की अता से थे और अल्लाह तबारक वाली और इजाजत से ये सारे काम हुआ करते थे अगली आयत में अल्लाह तबारक वालता है तर्जमा और जब मैंने हवारी के दिल में ये बात डाली कि मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाओ तो उन्होंने कहा हम ईमान लाए और आप गवाह हो जाए कि हम मुसलमान हैं हमारी ये हजरत सलाम के मखसूस और मुखलिस साथियों को कहा जाता है इनके मुतालिक फरमाया कि अल्लाह पाक ने इनके दिलों में अल्लाह पाक और हजरत सलाम की ज़ात पर ईमान लाने की बात डाल दी याद रहे कि इस आयत में लफ्ज आया वही अवै तो वही की और ये वही हो रही है गैर अम्बिया की तरफ तो याद रहे जब भी वही की नस्बत गैर अम्बिया की तरफ हो तो, तो वहां इससे मुराद दिल में बात डालना होता है ये वो वाली वही नहीं होती जो अम्बिया अलिमसम की तरफ होती है बल्कि दिल में बात अल्लाह ताला डाल देता है जैसे कि सुर कस की आयत नंबर सेवन में है वह अव है इलाउ मूसा हमने मूसा की माँ के दिल में बात डाल दी सूर्य नहल की आयत नंबर सिक्सटी एट में शहद की मक्खी के लिए है कि हमने उसके दिल में बात डाल दी तो यहां पर जाहिर है कि वो वही मुराद नहीं है जो अल्लाह पाक जो है नबियों से फरमाता है बल्कि ये दिल में बात डालना यहाँ मुराद होता है अगली आयत में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, इफ या इस याद करो जब हवारियों ने कहा ऐसा इबन मरियम क्या आपका रब ऐसा करेगा कि हम पर आसमान से एक दस्तरखान उतार दे फरमाया अल्लाह से डरो अगर ईमान रखते हो नाजन ने एक बार हजरत सलाम से कहा कि क्या आपका रब हम पर आसमान से नमतों से भरपूर दस्तर खान उतारेगा उनकी मुराद ये थी कि क्या अल्लाह पाक इस बारे में आपकी दुआ कबूल फरमाएगा ये मुराद नहीं थी कि क्या आपका रब ऐसा कर सकता है या नहीं क्योंकि वो ईमान वाले थे और अल्लाह पाक की कुदरत पर ईमान रखते थे हजरत ईसी सलातम ने इसके जवाब में फरमाया कि अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह पाक से डरो और तकवा इख्तियार करो और इस तरह की बातें ना करो कैसी बातें करने लगे हो बाज मुफसरीन ने कहा कि इसके माना यह है कि तमाम उम्मतों से मुख्तलिफ और निराला सवाल करने में अल्लाह पाक से डरो ये मतलब है कि जब अल्लाह पाक की कुदरत पर ईमान रखते हो तो ऐसे सवाल ना करो जिनसे तरदुद और तुम्हारे शक और शुबे में पड़े होने का कोई शायबा गुजरे लिहाजा ऐसी बात ना करो तो फिर उन्होंने कहा जवाब में

उन्होंने अर्ज किया कि हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हसूल बरकत के लिए उस आसमानी दस्तर खान से कुछ खाएं हमारा यकीन और कवि हो जाए और जैसे हमने कुदरत को दलील से जाना है इसी तरह मुशाहिदे से भी उसको पुख्ता कर ले यानी इल्म यकीन से तरक्की करके आयन यकीन हासिल कर ले हवारियों के जवाब ने यह बात वाजे कर दी कि उन्होंने कुदरत अलाही में शक्बा की वजह से सबका मुतालबा नहीं किया था बल्कि इसका मकसद कुछ और था हवारीयों की इस दरखास्त पर हजरत ईसा सलातम ने उन्हें तीस रोजे रखने का हुक्म दिया और फरमाया जब तुम इन रोजों से फारिग हो जाओगे तो अल्लाह पाक से जो दुआ करोगे कबूल होगी उन्होंने रोजे रखकर दस्तर खान उतरने की दुआ की उस वक्त हजरत ईसी सलातम ने गुसल फरमाया मोटा लिबास पहना दो रक़त नमाज अदा की और सरे मुबारक झुकाया और रो रो कर ये दुआ की जिसका अगली आयत में तस्करा आ रहा है

हम पर आसमान से एक दस्तर खान उतार दे जो हमारे लिए और हमारे बाद में आने वालों के लिए ईद और तेरी तरफ से एक निशानी हो जाए और हमें रिस्क अता फरमा और तू सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है नाजरन हमारियों ने जब हज़रत ईसी सलाम के फरमान के मुताबिक अमल किया तीस रोजे रखे हज़रत ईसीतम ने इसके बाद बारगह इलाही में अर्ज़ की ए अल्लाह पाक हम पर आसमान से एक दस्तर उतार दे जो हमारे मौजूदा लोगों के लिए और हमारे बाद में आने वालों के लिए तेरी कुदरत और तेरे नबी की नबूवत की दलील हो जाए और सबके लिए ईद हो जाए यानी हम उसके उतरने के दिन को ईद बनाएं इसकी तजीम करें उस दिन खुशियाँ मनाएं तेरी इबादत करें और शुक्र बजा लाएं तो इस आयत से पता चलता है कि जिस दिन अल्लाह पाक की खास रहमत नाजिल हो उस दिन को ईद बनाना खुशियाँ मनाना इबादतें करना और शुक्र इलाही बजा लाना यह नेक लोगों का तरीक़ा है और बेशक ताजदार मदीना सल्ला वसलम की तशरीफ आवरी यकीन इसलिए वबारक के दिन ईद मनाना और मीलाद शरीफ पढ़कर शुक्र इलाही बजा लाना और फ़रहत सुरूर का इजहार करना यकीन मुस्तसन महमूद और अल्लाह पाक के मकबूल बंदों का तरीका हैजरत अब्दुल्ला अब्बास रदी अल्लाह आनुमा फरमाते हैं जब सरकार मदीना सल्लम मदीना मनवरा तशरीफ लाए तो देखा कि यहूदी आशूरा के दिन रोज़ा रखते हैं इर्शाद फरमाया ये क्या है उन्होंने अर्ज़ की यह अच्छा दिन है इस दिन अल्लाह पाक ने बनी इसराइल को उनके दुश्मन फिरौन से नजात दी थी तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस दिन का रोज़ा रखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर इर्शाद फरमाया तुम्हारी नस्बत मेरा हजरत मूसा सलात वाम से ज्यादा तल्लुक है चुनान जी आप सल्ला ने आशूरा के दिन का रोज़ा रखा और दूसरों को भी इसका हुक्म फरमाया हजरत अब्दुल्लाबन अब्बास ने एक यहूदी की मौजूदगी में यह आयत पढ़ी अकमल तो लकुम दीनादी तो इस्लाम दीना आज मैंने तुम्हारा दीन कामिल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे तुम लिए इस्लाम को पसंद फरमाया आयत सुनकर उस यहूदी ने कहा अगर ये आयत हम पर उतरती तो इस आयत के उतरने के दिन को हम ईद बना लेते हजरत अब्दुल्लाबन अब्बास ने फरमाया ये आयत हमारी दो ईदों के दिन में ही उतरी है यानी एक जुमे का दिन था और वो जुमे का दिन का दिन भी था तो बड़ा जबरदस्त जवाब भी दिया और बता भी दिया कि हमारे लिए ऑलरेडी वो ईद ही का दिन था यहां पर मुफ्ती अहमद यार खान फरमाते हैं कि इससे पता चला कि जिन तारीखों में अल्लाह पाक की नमत मिले उन्हें ईद बना लेना शरान अच्छा है अगली आयत में अल्लाह तबारक का इर्शाद फरमाता है

तो अल्लाह तबारक वताल ने सबसे पहले तो फरमाया कि मैं वो दस्तरखान उतारता हूँ और फिर ये भी समझा दिया वार्निंग भी दे दी कि उस दस्तरखान के उतरने के बाद जो कुफ्र करेगा तो बेशक फिर उसे अजाब दिया जाएगा और ऐसा अजाब कि सारी दुनिया में किसी को ना हुआ होगा चुनानचे आसमान से वो दस्तरखान खवान नाजिल हुआ और इसके बाद जिन्होंने उनमें से कुफ्र किया उनकी सूरतें बिगाड़ दी गई खनज़ीर बना दिए गए और वो कुफ़ार जो थे जिन्होंने खान से खाया था

और जब अल्लाह फरमाएगा ए मरियम के बेटे ईसा क्या तुमने लोगों से कहा था कि अल्लाह के सिवा मुझे और मेरी माँ को महबूद बना लो तो वह अर्ज करेंगे ए अल्लाह तू पाक है मेरे लिए हरगिस जायज नहीं कि मैं वो बात कहूँ जिसका मुझे कोई हक नहीं अगर मैंने ऐसी बात कही होती तो तुझे जरूर मालूम होती तू जानता है जो मेरे दिल में है और मैं नहीं जानता जो तेरे इम में है बेशक तू ही सब गैबों का जानने वाला है नजर इक्राम ये क़यामत के वाकई का यहाँ बयान हो रहा है कि बरोज क़यामत ईसाइयों की सरजनिश के लिए अल्लाह पाक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाएगा ऐ मरियम के बेटे ईसा क्या तुमने लोगों से कहा था कि अल्लाह पाक के सिवा मुझे और मेरी माँ को खुदा बना लो महबूद बना लो इस बात को सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सलात कांप जाएंगे और अर्ज करेंगे ऐ अल्लाह तू तमाम नकाइश और अयूब से पाक है और इससे भी कि कोई तेरा शरीक हो और मैं वो बात कैसे कहूं जिसका मुझे कोई हक नहीं जो मेरे लिए जायज नहीं कि जब तेरा कोई शरीक हो ही नहीं सकता तो मैं ये लोगों से कैसे कह सकता हूँ अगर मैंने ऐसी बात कही होती तो तुझे जरूर मालूम होती तू जानता है जो मेरे दिल में है और मैं नहीं जानता जो तेरे इल्म में है बेशक तू ही सब गैबों का जानने वाला है यहां इल्म को अल्लाह तबारक व तला की तरफ नस्बत करना और मामले को उसके सिपुर्द कर देना

मैंने तो उनसे वही कहा था जिसका तू ने मुझे हुक्म दिया था कि अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है और मैं उन पर मुतले रहा जब तक उनमें रहा फिर जब तूने मुझे उठा लिया तो तू ही उन पर निगाह रखता था और तू हर शाय पर गवाह है नजर ग्राम हजरत इस्लाम पहले तो ये कहेंगे कि अल्लाह पाक तू सब जानता है फिर अर्ज़ करेंगे कि मैंने तो उनसे वही कहा था जिसका तूने मुझे हुक्म दिया था कि अल्लाह पाक की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा सबका रब है और मैं उन पर मुतले भी रहा जब तक उनमें रहा फिर जब तूने मुझे उठा लिया तो फिर तू ही उन्हें देखने वाला था तू ही हर शय पर नजर रखने वाला नज़र फरमाने वाला और गवाह है यहाँ पर जो लफ्ज़ तवफ़ा तो नहीं आया इससे कादियानीानी कहते हैं कि हजरत इिसम इंतकाल कर चुके हैं हालांकि ये इस्तलाल बिल्कुल गलत है क्योंकि अव्वल तो लफ्ज़ तवफ़ा ये मौत के लिए खास नहीं बल्कि किसी शय को पूरे तौर पर ले लेने को कहा जाता है मौत के साथ हो या बगैर मौत के जैसा कि कुरने पाक में इशाद हुआ अल्लाह या अनफुसहीन अनफुन मोतीहा वतीफी मना में हा अल्लाह जानों को वफा देता है उनकी मौत के वक्त और जो ना मरे उन्हें उनके सोते में दूसरा ये कि जब ये सवाल जवाब रोजे कयामत का है तो अगर लफ्ज तवफ़ा मौत के माना में भी मान लिया जाए फर्ज कर लिया जाए जब भी हजरत ईसा सलातम का आसमान से जमीन पर तशरीफ लाने से पहले वफा पा जाना इससे साबित नहीं होता है तो इस हवाले से इमाम अहमद रजा ख़ान र्ल की बड़ी ज़बरदस्त तहकीक़ है फ़तावा रजविया की पंद्रहवीं जल्द में ये किताब मौजूद है पूरी इसको पढ़ें तो बड़ा ही ज़बरदस्त मालूम का ख़जाना हासिल होता है इस किताब का नाम है अल अलमुरतद्दिल कादियानी इसको पढ़ें तो इनशा इस हवाले से और तहकीक़ात भी आपकी नजर से गुजरेंगी अगली आयत में अल्लाह पाक है। अगर दे तो वो तेरे बंदे हैं और अगर तू उन्हें बख्श दे तो बेशक तू ही गलबे वाला हमत वाला है नाजर क्राम हजरत ईसारत को मालूम होगा कि कौम में बाज लोग कुफर पर कायम रहे और बाज शरफ़ ईमान से मुशरफ हुए इसलिए आप अलहसम की बारगाह इलाही में ये अर्ज़ है कि उनमें से जो कुफर पर कायम रहे उन पर तो अजाब फरमाए तो बिल्कुल हक और बजा और अदलो इंसाफ है क्योंकि उन्होंने तमाम होने के बाद कुफर किया और जो ईमान लाए उन्हें तो बख्शे तो तेरा फजलो करम है और तेरा हर काम हिकमत के साथ वाबस्ता है नाजरीन नबी करीम सलम ने भी इस आयत मुबारक को पढ़कर अल्लाह पाक की बारगाह में अपनी उम्मत के लिए दुआ फरमाई चुनान चाहे अब्दुल्ला

उन पर इस कदरगिरिया क्यों तारी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हजरत जबरील हाजिर हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा और अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में जवाब अर्ज कर दिया हालांकि वो जवाब भी अल्लाह पाक खूब जानता है अल्लाह पाक ने हजरत अलैहि सलाम से फरमाया ए जबरील मोहम्मद के पास जाओ और उनसे कहो कि आपकी उम्मत की बख्शिश के मामले में हम आपको राजी कर देंगे और आपको रंजीदा नहीं करेंगे सुभान अल्लाह नाज़रीन पता चलासूल पाक वसल्लम अपनी उम्मत पर कमाल दर्जे की शफीको मेहरबान थे और उम्मत की भलाई और बेहतरी में कोशां रहते थे और आप वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए किसी शर्त और कैद के बगैर बख्शिश की दुआ मांगी इसी तरह इस उम्मत मरहूम के लिए अजीम बिशारत भी मिली कि अल्लाह तबारक का वताल इस उम्मत की बख्शिश के मामले में अपने हबीब स को राज़ी कर देगा और अल्लाह तबारक वताल की बारगा में उसके हबीब सल्ला वसल्लम का मकाम भी पता चला कि कितना बुलंद है सब कुछ जानने वाला होने के बावजूद हजरत जबरीलम को अल्लाह पाक ने आप सल्ला वसल्लम की बारगा में भेजा और इससे आप के दिल की तसली और आप खुश करना ये अल्लाह को कितना मकसूद और मतलूब है ये जाहिर होता है और आपकी अजमत और शराफत का इजहार होता है इसी तरह नबी पाक सल्ला वसलम की मकबूलियत पता चलती है अल्लाह तबारा व वताल की बारगाह में आपका मकाम कितना बुलंद है कि आपकी आजमतों को अल्लाह पाक जाहिर फरमाता है और आपको अल्लाह राजी करता है आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रमत बारगा इलाही में अर्ज करते हैं ना कि हम हैं उनके वो हैं तेरे तो हुए हम तेरे हम हैं उनके वो हैं तेरे तो हुए हम तेरे इससे बढ़कर तेरी समतौर वसीला क्या है उनकी उम्मत में बनाया उन्हें रहमत भेजा यूं न फरमा के तेरा रहम में दावा क्या है सदका का प्यारे की हया का के ना ले मुझसे हिसाब बख्श बे पूछे लजाए को लजाना क्या है लजाए को लजाना इसका मतलब होता है जो शर्मिंदा हो लजा शर्मिंदगी से निकला है लजाए को लजाना यानी जो खुद से शर्मिंदा है पहले से उसे और क्या शर्मिंदा करना मालिक हम शर्मिंदा हैं बख्श दे बे पूछे बख्श दे हम तो वैसे ही लजाए हुए हैं इस लजाए को और लजाना क्या है

वो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे अल्लाह उनसे राजी हुआ और वो अल्लाह से राजी हुए यही बड़ी कामयाबी है इस आयत से पता चला कि, कि क्यामत के दिन सच नफा देगा तो झूठ रिया कारी किसी सूरत में नफा ना देगी लिहाजा अक्लमंद इंसान को चाहिए कि सच्चाई के रास्ते पर चलने की खूब कोशिश करे क्योंकि ईमान के बाद सच्चाई को इख्तियार करना बंदे को नेक आमाल की तरफ रागिब करता है हजरत अब्दुल्ला अपने मसूद रदील्ला से रिवायत है वसूल पाक वसल्लम ने इरशाद फरमाया सच्चाई को लाजिम कर लो क्योंकि सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत का रास्ता दिखाती है आदमी बराबर सच बोलता रहता है और सच बोलने की कोशिश करता रहता है यहाँ तक कि वह अल्लाह पाक के नजदीक सिद्दीक लिख दिया जाता है और झूठ से बचो क्योंकि झूठ फजूर की तरफ ले जाता है फजूर जहन्नम का रास्ता दिखाता है और आदमी बराबर झूठ बोलता रहता है और झूठ बोलने की कोशिश करता है यहां तक कि वह अल्लाह पाक के नजदीक कजाब यानी बहुत बड़ा झूठा लिख दिया जाता है अल्लाह पाक हमें सच बोलने सच्चाई के रास्ते को इख्तियार करने और झूठ बोलने से बचते रहने की अता फरमाए अगली आयत में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है आसमानों और जमीन और जो कुछ उनमें है सबकी सल्तनत अल्लाह ही के लिए है और वह हर चीज पर कादिर है नजर ग्राम में हजरत ईसा सलात और हजरत मरियम रदी अल्लाह को खुदा कहने वाले ईसाइयों का रद्द भी है कि जब आसमानों और जमीन और जो कुछ उनमें है सबका मालिक अल्लाह पाक है और ये दोनों हजरात भी अल्लाह पाक की मिल्क में और उसके बंदे हैं तो ये खुदा कैसे हो सकते हैं क्योंकि जो किसी की मिल्क में और आब्द हो वो खुदा हरगज नहीं हो सकता यहाँ पर 120 आयतें सूरह मायदा की मुकम्मल हुई अल्लाह पाक हमें कुरान पर अमल करने इसे समझने की तौफीक अता फरमाए ज़िंदगी रही तो अगले प्रोग्राम में इंशाकर अल करीम सूरह अनआम का आगाज करेंगे अपना ख़्याल रखिएगा अल हबीब स महमद सल्ला, सल्ला वसलम